फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। तो आज है ट्यूसडे इवनिंग और फर्स्ट नवरात्र है, तो हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स। मेरा टूथ एक्सट्रेशन हुआ है, तीन दांत निकले हैं, दो का आरसीटी हुआ है एंड पीछे वाले का सर्जिकल कुछ प्रोसीजर था वो हुआ है, कुछ काट पीट के वो निकाला गया है, तो आज ही हुआ है। एंड अराउंड 11 बजे के आसपास मैं गई थी, 2 बजे आई हूँ। और विनोद गुड़गांव है, अकेले ही गई थी मैं परी को लेके, तो जैसे बताया था मैंने भाई का घर साथ में ही है, जो डॉक्टर है जो उसका क्लिनिक और भाई का क्लिनिक साथ साथ में ही है, तो परी को वहाँ छोड़ दिया था मैंने और फिर आते हुए मैं उसको ले आई थी। ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ, लस्सी बना रही हूँ, आने के बाद कोल्ड कॉफी ली थी। सुबह हैवी डाइट खाना था तो डेढ़ पराठा, मतलब पराठा नहीं, स्टफ रोटी पनीर की, वो मैं खा के गई थी। आके एक बड़ा सा 350 ml का कोल्ड कॉफी का मैंने पी लिया था एंड अभी लस्सी बनाऊंगी। 6 बज चुके हैं, तो हर 3-4 घंटे में पीछे से लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही ना, हर 2-3 घंटे में कुछ ठंडा खाने के लिए बोला था। तो आज तो मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम भी खाई थी, 3-4 स्पून आइसक्रीम खा ली थी वहीं पर, क्योंकि मुझे लगा था शायद ब्लड नहीं रुक रहा, तो आइसक्रीम भी मैंने खा ली थी। और पीछे नीरव गेम खेल रहा है तो आवाज़ तो अनलिमिटेड है। आपको मैं अपना एक बार आउटफिट दिखाती हूँ, तो ये मैंने टी शर्ट ली थी अभी मिंत्रा से और ये जैगिंग ली है, और दोनों ही चीज़ें मैंने मिंत्रा से ली हैं एंड इसमें जो लुक है ना वो बहुत ही मस्त आ रही है। अगर मैं दिखाऊँ, अभी दिखाती हूँ, तो ब्लैक का जो लव है ना, ब्लैक कलर से मेरा, ब्लैक एंड वाइट दोनों ही कलर मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो ब्लैक पूरा ही है और ऐसे पूरा वाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड पहले मैं एक बार अपनी लस्सी बना लेती हूँ, फिर आगे की जो है वो शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़े से ग्लैक्स हो जाएगा, बातें कर रही हूँ ना तो फिर पेन वेन हो जाएगा। तो पहले लस्सी बना लेती हूँ मैं अपनी। और यस, पता है वेट तो लूज़ नहीं हुआ है इतना मेरा, लेकिन जो फैट लूज़ है ना वो हुआ है, वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। तो मैं एक दो है ना पिक्चर्स मैंने शूट की है, वो मैं वीडियो के एंड में भी आपको दिखाऊंगी, पता चल जाएगा। तो इससे तेज मैं नहीं बोल सकती हूँ, रियली सॉरी अगर आवाज़ कम आ रही है। तो यहाँ पर शायद आपको डिफरेंस नज़र भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, स्वेलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अब जैसे जैसे एनेस्थीसिया दिया था तो उसका असर कम होता जाएगा, तो पेन भी बढ़ता जाएगा और ज़्यादा बोलने से भी हो जाता है। तो लस्सी बनाती हूँ सिंपल सी, एक चीज़ तो है जब आपका दांतों का ट्रीटमेंट चलता है ना आपका वेट जरूर लूज होगा, काफ़ी वेट लूज कर लोगे, क्योंकि लिक्विड डाइट पे वो ना होता है। जैसे आज सुबह मैंने स्टफ रोटी खाई थी 1.5, उसके बाद लिक्विड ही है, कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी तो उसमें मैंने 2 चम्मच जैगर पाउडर डाल लिया था यानी शक्कर। अभी बनाऊंगी लस्सी, शाम को ओसन बनाना स्मूदी, कल मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा ही बोला है, बनाना शेक वगैरह लेने का, या फिर इडली डोसा, इडली है वो बना लूँगी, वो थोड़ी सी वो रहती ना सॉफ्ट होती है, या फिर सैंडविच कुछ ऐसा। तो मतलब क्योंकि कल फिर से कुछ काम होना है,
तो ब्रेकफास्ट में हैवी होना ही है। देखते हैं क्या रहता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दही ऐड किया है, दही में बिल्कुल जो ठंडा पानी है थोड़ा सा वो, और थोड़े से आइस क्यूब डालूंगी। मैं जितना ठंडी चीज़ों से दूर भाग रही थी ना उतना ही लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है सी सॉल्ट वो डाल दूंगी, और एक चम्मच जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें काली मिर्च, बस सॉल्ट हल्का सा डाल लो। और इस तरह से जो लस्सी बनाते हैं ना बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, इसमें अगर सूखा पुदीना हो ना वो डाल लो, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। 8-10 भर के आइस क्यूब के भी डालूंगी। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और बस अब इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। और अच्छी सी लस्सी बन के हो गई रेडी। मीठी लस्सी मेरे को पसंद है, बट आजकल मन नहीं करता मीठी लस्सी लेने का, नमकीन लस्सी लेने का मन करता है। अगर आपको मीठी लस्सी पसंद है तो मीठी लस्सी बना लो, वो भी सही रहती है। और ये नारियल पानी लेके आई थी यार, पता नहीं रखा ही हुआ है, कब पीने का नंबर आएगा डोंट नो। चलो ब्लेंड हो गया, इसको पहुंचा देते हैं वापस से। अच्छा यार, कोई प्लीज़ मुझे बताना कि क्या नारियल जैसे ये रखा हुआ ना पूरा, इसको फ्रिज में रख सकते हैं क्या? और ओहो पेन, लस्सी हो गई है रेडी। चलो अपने कैटी को भर लेते हैं अपनी ठंडी ठंडी लस्सी के साथ में। ओ गिर गई, टूट गया क्या? एक सेकेंड यार, अच्छा मुझसे ही गिर गया, मुझे लगा टूट गया। क्या है इसका मतलब, मेरी आंखें सही काम नहीं कर रही है? मैंने गिरा दिया। सफाई करेंगे मिस्टर कैट, एक बार पी लूँ मैं इसको बैठ के पहले ठंडा ठंडा, उसके बाद उसको बाद में क्लीन करूँगी। बाहर से कपड़ा लेके आना पड़ेगा मेरे को। चलो ठंडी लस्सी इंजॉय कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रश, ये है ओरल बी की, और ये मैंने ना दो मंगवाई हैं। ये इसका चार्जर है, तो यहाँ पे इसको लगा दो, ये चार्ज होता रहेगा। एंड यहाँ पे बटन है तो इससे ये तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए ही इलेक्ट्रिक ब्रश। अगर थोड़ा कॉस्टली है बट मैं बोलूँगी डॉक्टर को देने से अच्छा है कि आप इस पे इन्वेस्ट कर लो, तो बिल्कुल मैं इसको रिकमेंड करूँगी। ये डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, मेरा और परी के लिए, क्योंकि वो बच्चे होते ना अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, बच्चे के बड़े भी नहीं कर पाते यार, बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बजट कर सकते हो, तो थोड़ा सा कहीं कंजूसी करके इधर कर लो यार, बट इलेक्ट्रिक ब्रश ज़रूर ले। तो नीरव की आ गई है, परी की और मेरी आनी बाकी है। मैंने मंगवाई थी ना जो अपनी, उसकी जगह दूसरा आइटम आ गया, ब्रश नहीं आई, फ्लोर्स आ गया है। तो आज मैंने रिटर्न के लिए डाला है, अब देखो कब तक आएगी, और परी की कल डिलीवर हो जाएगी। तो मैंने दोनों के लिए ओरल बी की ही मंगवाई है, ट्रस्ट है एक तो नीरव के लिए ये वाली है, एंड परी के लिए दूसरी है, मतलब सेम ऐसी बस प्रिंट अलग है। तो और 1300 समथिंग की है ये,
और भी वैरायटी आती है। अपने लिए मैंने दूसरी कंपनी का लिया था क्योंकि उसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, बट अब सेलर ने गलत प्रोडक्ट भेज दिया तो इस बार मैं उस पर दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं तो कुछ दूसरा ही देखूँगी, मे बी ओरल बी का ही देखूँगी। बट हाँ, इलेक्ट्रिक ब्रश पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप लोगों ने पहले पूछा था कि डॉक्टर ने कौन से टूथपेस्ट रिकमेंड किए हैं, तो शायद मैंने पहले ही बताया था, उन्होंने कीडोडेंट करके एक टूथपेस्ट है वो रिकमेंड किया है बच्चों के लिए, दोनों के लिए, और इलेक्ट्रिक ब्रश बोला है। एंड जो कीडोडेंट अगर वो नहीं मिलती है तो जिसमें फ्लोरिड होते हैं ना वो आप, आई थिंक मैंने सही बोला है, फ्लोराइड जो भी होता है ठीक है, तो वो जिसमें होता है ना वही पेस्ट बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के क्या होते हैं दूध के दांत भी और जो नए आ रहे होते हैं पके वाले दांत वो भी दोनों मिक्सअप होते हैं, तो उसका उनके पेस्ट में उसकी क्वांटिटी होना ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने कोलगेट की मंगवाई थी, कोलगेट के पेस्ट में ना बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट जितना होना चाहिए फ्लोराइड उतना है उसके अंदर, तो आप कुछ ऐसा देख के मंगवा लो। अगर आपको कीडोडेंट मिल जाती है तो आप वो मंगवा लो, सुबह शाम जरूर ब्रश करें, रात को जरूर बनाए, हैबिट बनाए, मेरी भी नहीं है, मैं झूठ क्यों मतलब बोलूँ आप लोगों को बोलूँ ऐसे, तो कभी याद आ जाता है तो कर लिया, तो बस कुल्ला करके हो गया, बट हाँ विनोद हमेशा ही मतलब विनोद के दाँत बिल्कुल चकाचक है यार, तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। मैं इसका लिंक दे दूँगी नीचे, आप चाहें तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको काफ़ी टाइम लगेगा इसको फिनिश करने में, 5-7 मिनट लगेंगे, तो इसको फिनिश करके फिर आप लोगों से मिलेंगे। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Part swimming in this deep.
मेरा सोना बेटा उठा है ना अभी सो के, आप मेरे सोना बच्चे नहीं हो, मेरे गुड़िया रानी है ना, पारा मंको आइए आना मेरा मंको, कल सुबह चलेंगे। अच्छा कहाँ जाना परी को सबको बता दो एक बार, मामी के घर जाना है। और ये क्या है, ये दिखाओ मैं ओपन कर दूँ, न्यूट्रल आपको अच्छे लगते हैं, टिफिन में डाल के लेके जाओगे। चलो ठीक है एक बार सबको हेलो कर दो तो फिर डाल देता हूँ। ये सोना बंदर मेरा मंक चोई चोई कल के होता है मेरा मंको, अच्छा गुच्छा गुच्छा ना वो मेरा पारा मंको बेबी हेलो अच्छा लो गुच्छा। अरे बाबी वाह, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, इतना पारा बंदर मेरा, एक पार भी दे दो अब टिफिन, अब तो टिफिन भी दे दो, अभी देता हूँ टिफिन। मामी के घर भी जाना है मुझे। और खेलना खेलना, ठीक बाल ठीक कर दूँ आपके, शोई शोई की थी ना, क्लिप लगा दो, क्लिप लगा दूँ। हाँ ठीक, वो तो मामू के घर भूल गई, दूसरे वाली लगा दूंगा ठीक है, दोनों दोनों। हाँ ठीक है, और परी को स्कूल जाना है, नीरो को पढ़ाई करवा दूँ। हाँ। और आपने तो उसको बोला था नहीं मेरे भाई को मत बोलो पढ़ाई करने के लिए, आप तो पढ़ाई करना अच्छी बात होती है ना, ठीक है। ओके देता हूँ, देता हूँ मैं मंकू, देता हूँ।